हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नॉक्स पे। आज सीखते हैं फोर स्पीड गियर बॉक्स कैसे रिवील करते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी का बाइक से फोर स्पीड गियर बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। मेरे पास जो गियर बॉक्स है इसका कंडीशन आप देख लिए। अभी इस गियर बॉक्स को इजी रिवील करते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत पार्ट्स को निकाल लेते हैं। एक गियर शिफ्ट कैम है, एक टू शिफ्ट फोर्क शाफ्ट है और एक टू पीसेस फोर्क पिन रोलर है और टू गियर शिफ्ट फोर्क है। इसके बाद आपको ड्राइव शाफ्ट या जिस शाफ्ट पे चेन स्प्रॉकेट लगा हुआ रहता है उस शाफ्ट को उठाना है। और ये एक फोर स्पीड गियर बॉक्स है, इसीलिए इसका लिए फोर पीसेस गियर है। जो जो गियर ड्राइव शाफ्ट पे लग जाएगा उसको अलग करना है। तो देखिए अभी ड्राइव शाफ्ट का फोर गियर और क्लच शाफ्ट का फोर गियर को अलग कर लिए। अब सीम और सर्कलिप लॉक को अलग करना है। ड्राइव शाफ्ट पे थ्री पीस सीम लग रहा है, सो थ्री पीक सीम ड्राइव शाफ्ट का और टू पीक बड़ा साइज सर्कलिप लॉक है, ये भी ड्राइव शाफ्ट का है। बाकी दो पीक छोटा सीम और सर्कलिप लॉक ड्राइव शाफ्ट पे नहीं लग रहा, सो एक क्लच शाफ्ट का है। अभी कौन सा गियर मेल और कौन सा गियर फीमेल ये जान लेते हैं। एक गियर ना मेल है और ना फीमेल, बोथ साइड प्लेन सरफेस है। एक गियर फीमेल है क्योंकि इस पे होल्ड है। गियर मेल है, थ्री पीक ग्राफ है। इस गियर पे वन साइड मेल और वन साइड फीमेल है। क्लच शाफ्ट का एक गियर पे होल है, सो ए फीमेल है। इस गियर फीमेल और मेल दोनों है, एक गियर भी मेल है। और क्लच शाफ्ट पे जो गियर लगा हुआ है इस पे मेल और फीमेल कुछ भी नहीं है। चलिए आप गियर को बड़ा साइज से छोटा साइज पे स्टेप बाय स्टेप रखना है। ड्राइव शाफ्ट का गियर को 1, 2, 3, 4 लाइन से रखना है। सेम ग्लास शाफ्ट का गियर को भी लाइन से रखें। अब सीम और सर्किट ब्लॉक को लाइन पे रखना है। सो आपका फर्स्ट काम है ड्राइव शाफ्ट गियर लाइन पे कौन सा गियर पे मेल और फीमेल है उस गियर को चूज करे और उस गियर का बोथ साइड पे सर्किट ब्लॉक रख दे। बोथ साइड सर्किट ब्लॉक का बाद टू सिम को रख ले। देख लिए एक सिम एक्स्ट्रा हो गया है। उस लाइन पे टू गियर का मिडिल पे गैप है, सो सिम को उधर रखे, सो ड्राइव शाफ्ट रेडी है। सेम क्लच शाफ्ट का गियर लाइन पे सिम और सर्किट ब्लॉक को रखना है। चलिए इसका मेल और फीमेल गियर को चूज करे और बोथ साइड टू सर्किट ब्लॉक रख दे और उसके बाद टू सिम को रखना है।
बस क्लास सब्ट भी रेडी है। चलिए अब गियर को ड्राइव सब्ट पे इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले बड़ा साइज का गियर को उठाना है और इसका गैप साइड को चेन स्पॉकेट की तरह लगाना है। नेक सिम को लगाना है और सर्किट लॉक से लॉक करना है। लाइन का सेकेंड गियर को इंस्टॉल करना है। अब देखो ड्राइव शाफ्ट का गियर फीमेल है, इसीलिए आपको सेकेंड गियर का मेल साइड से इंस्टॉल करें। लाइन से सर्किट ब्लॉक को उठाकर लॉक करें। और इसके गियर बोथ साइड पे मूव करते हैं और चेक करें। उसके बाद सिम को भी लगाएं। अभी सेकेंड गियर का फीमेल है, सो थर्ड गियर का मेल साइड को लगाना है। सिम को इंस्टॉल करें और फोर्थ गियर को भी साइड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शाफ्ट पे गियर सीम और सर्किट ब्लॉक को इंस्टॉल करते हैं। क्लास शाफ्ट पे फर्स्ट नंबर गियर फिक्स्ड है, उस गियर पे मेल और फीमेल कुछ भी नहीं है, तो सेकेंड गियर का प्लेन साइड को लगाना है। उसके बाद सीम और सर्किट ब्लॉक को भी लगाते हैं। अब थर्ड गियर लगाना है और सेकेंड गियर पे मेल है, सो थर्ड गियर को फीमेल साइड लगाना है। लाइन से सर्किट लॉक को उठाकर लॉक करें। इसके गियर बोथ साइड पे मूव करते हैं और चेक करें। उसके बाद सिम को भी लगाएं। अब थर्ड गियर मेल साइड इंस्टॉल है, सो फोर्थ गियर फीमेल साइड इंस्टॉल करें। सो अब बोथ शाफ्ट पे गियर और सीम और सर्किट लॉक इंस्टॉल हो गया। चलिए अब दोनों शाफ्ट को क्रैंक केस पे इंस्टॉलेशन करते हैं। ये है क्रैंक केस और इस पे फर्स्ट ड्राइव शाफ्ट को इंस्टॉलेशन करते हैं। अब क्लास शाफ्ट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये है गियर शिफ्ट फोर्क, जो फोर्क बड़ा साइज का है वो ड्राइव शाफ्ट का, और जो छोटा साइज का फोर्क वो क्लास शाफ्ट का है।
शिफ्ट 4 इंस्टॉल करने के टाइम फोर्थ पिन गियर कैम साइड रखें। सेम क्लच शाफ्ट का फोर्क पिन गियर कैम साइड इंस्टॉल करें। टू पीस रोलर को लगा ले, दोनों रोलर सेम साइज का है। अब गियर शाफ्ट कैम न्यूट्रल प्लेट को न्यूट्रल स्विच की तरह इंस्टॉल करें। फोर्क को थोड़ा ऊपर करें, रोलर को कैम ग्रब पे लगा के फोर्क शाफ्ट को लगा ले। और क्लच शाफ्ट को रोटेट कर सकते हैं। गियर बॉक्स को न्यूट्रल करें। आप कोई भी 4 स्पीड गियर बॉक्स का गियर सेम रिवील कर सकते हैं, बट आपको शाफ्ट के ऊपर और नीचे वॉशर पहले से है ये याद रखें। बाकी सब सेम है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट पे जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे नॉक्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो लेके।